हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। बस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी बच्चे लोग के साथ। अभी बच्चे लोग तीनों उठ गए हैं। एजू को आज सैटरडे है तो भी उठ गई है, स्कूल पे नहीं जाना है। तो एजू ने बोला आज मुझे पिचकारी से खेलना है इसलिए मैं जल्दी उठ गई। अभी बोलो, स्कूल पे जाना होता है तो भी कितनी बार उठाना पड़ता है। और आदि गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, शिव गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, एजू गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मम्मी थोड़ी मेहनत करते हुए बच्चों लोगों के साथ, बच्चे लोगों को अभी पिचकारी से खेलना है और नीचे भेजना है स्विमिंग पूल के लिए। अभी बच्चे लोग सैटरडे संडे पूरा एंजॉय करने वाले हैं और हमारा सर भी खाने वाले हैं, वो तो हमें पता ही। और आज दोपहर को हेजू की पेरेंट्स मीटिंग है तो वहाँ पर भी मुझे जाना है, तो वही बात है। और चलाला से मेरे पापा भी आने वाले हैं, वो सब शेड्यूल आज बनने वाला है तो देखते आगे आगे होता है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक हम कर लेते हैं सुबह का हमारा जो रूटीन, झपट झुपट का काम जो रहता है, बच्चे लोगों ने सब कुछ बिखेरा होता है वो सब इकट्ठा करने में। अभी बच्चे लोगों ने ऊपर बलून सभी फुला दिए हैं और अभी नीचे आए हैं पिचकारी लेके सब। देखो अभी आदि आदि भी आ रहा है, क्या भरवानो आज सैटरडे संडे आज करवानो शिव। हाँ वेरी गुड, हाँ आदि को थोड़ा बन नहीं रहा है और शिव ने अपनी पिचकारी भर ली, अभी दो पिचकारी भरनी बाकी है। तो अभी जगड़ते जगड़ते खेलना भी चालू है, स्विमिंग पूल भरना है, लेकिन स्विमिंग पूल में हवा नहीं है तो मेरे अकेले से तो वो होगा नहीं। तो हार्दिक भाई उठ रहेंगे, तब हार्दिक भाई की हेल्प से हम स्विमिंग पूल कर देंगे। अभी शिव और हेजू दोनों इतना एंजॉय करते हैं होली, हैप्पी होली हेजू, हैप्पी होली शिव, ये आदि को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, पिचकारी चल नहीं रही अच्छी तरह से, इसकी वजह से प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग दीदी, बजे सुबह के 9 और बच्चे लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, नहा धो के फ्रेश होके चीज ब्रेड, हेजू आदि सॉरी शिव चीज ब्रेड खावानी छे, उठी ने जोड़े शू खावानू छे दूदू, शाश, ये है हमारी इंडियन शाश वाली। और यहाँ पे आदि भी लंदन में ये नहीं खाते हैं, क्रस्ट नहीं खाते, क्रस्ट ओके ओके सॉरी सॉरी क्रस्ट नहीं खाते, ऐसू इंडिया में पानी नहीं पीते, इंडिया में छाश पीते हैं, छाश अभी बच्चे लोगों को यहाँ का छाछ दूध पसंद नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं साथ में, जो पीना नहीं चाहिए वहाँ पे भी नहीं पीते, दूध पीते हैं लेकिन यहाँ का टेस्ट नहीं बच्चों को अच्छा। डूडू यहाँ का टेस्ट क्यों नहीं अच्छा, आपको तो अच्छा लगता है, बच्चों को क्यों नहीं अच्छा, छाछ तो पीते ही नहीं आपके दोनों में से एक भी बच्चे, छाछ तो मैं भी नहीं पीती, दूध ही पीती हूँ, पर छाछ छाछ छे ना दीदी अमृत के, अमृत छाछ भावे पापा छाछ पीवे, पापा ने ही बोला था छाछ को भूल गया मैं, नाना तो तेरा पापा तमने पूरा दूध दस पाता खबर, छाछ पीवा यद नहीं ओके छाछ ऐसा होता है। चलो सुई चार ले लेते हैं, ले ले जल्दी, क्या भाई वर्क व्हेन यू वर्क एंड प्ले व्हेन यू प्ले, ओके अंडरस्टैंड, ओके पापा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हूं, कैसा है हाथ का दर्द? ठीक है आज, अच्छा लग रहा है, प्लास्टर लगाया ना, अच्छा तो बता दीजिए सुविचार आज का? का सुविचार है अपनी सोच को मंगलमय और कल्याणकारी बनाना ही एक तरफ की पूजा ही है, ये सही बात है, ओके ओके पापा थैंक यू, वेलकम। तो पापा ने बहुत बढ़िया से सुविचार दे दिया है, अपनी सोच को अच्छी तरह से सुधारिए, मतलब सोच के जो भी करना है वो करिए। ओ हार्दिक भाई बच्चों के साथ साथ हार्दिक भाई की भी पार्टी हो गई, हाँ सही बात है, नहीं चीज बोला है खाने, हाँ डॉक्टर ने बहुत बोला लेकिन मैंने खा ली भाखरी, कोई बात नहीं ये तो गाँव वाले देखते है, अभी भूख लगेगी तो यहाँ पे दीदी बच्चों के लिए बना रहे है चीज सैंडविच, यस इतने सालों बाद मिली होगी ना वैसा लग रहा होगा यस। हेजू को अभी सुबह सुबह दूध की आदत थी, वो बच्चों के साथ साथ वो भी खाने लगी है ब्रेड वो सब कुछ, दूध हेजू ने भी छोड़ दिया, बच्चे के साथ बच्चे भी सुधर ही जाते हैं। और यहाँ पे हाँ अच्छी बुरी सब बच्चे लोग सीख ही जाते हैं, जो नहीं सीख रहे हो ना वो पहले सीख। हार्दिक भाई आपको पार्टी है ना आज, तो चीज ब्रेड पार्टी होती है, कुछ नाश्ते में बचा नहीं था तो इसलिए ये इसमें था करकड़िया, ये बहुत ज्यादा है,
कहा गाठिया पूरी खत्म हो गई, गाठिया हमने जीजा जी को बेच दिया। अच्छा, और जो आपको मन में था वो ही आपको मिल गया फाइनली, है ना? हाँ, तो कब हाँ वो इसीलिए, तो कोई बात नहीं। चलो मम्मी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। क्या प्लान है आज का? आज तो कैसे पापा लोग को आवे से ना। हाँ, तो वो सब थोड़ी मेहमान गति में हम रहेंगे, वो सब कुछ चलेगा आज। तो आगे आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, क्या एंजॉय करते हैं। और बच्चे लोग अभी पार्टी टाइम चल रहा है, देखते खा पी के क्या अभी क्या है कि वो एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी ना तभी पूरा धमाल मचाएंगे। तो आज का हमारा दिन तो इतना बिजी चल रहा है, अभी क्या ही बताओ। सुबह सुबह बच्चे, बाद में थोड़े थोड़े गेस्ट आ रहे हैं, अभी पापा की खबर पूछने के लिए अभी ऊपर मेरे काका जी ससुरा बैठे हुए हैं, मेरे पापा भी आए हैं, अभी मेरे मासी भी आए थे, वो भी चले गए। तो बस दोपहर का खाना बनाना, लेकिन सब्जी अवेलेबल है नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। बाद में घर पे आऊँगी और बाद में जाऊँगी मैं पेरेंट्स मीटिंग में। आज तो पूरा डे हमारा हेक्टिक चल रहा है। हार्दिक भाई अभी ऑफिस जाते हुए सुबह के बजे 10:45। क्यों आज ऑफिस क्यों लेट हो गए? काम आ गया थोड़ा। अच्छा, तो फिर हार्दिक भाई इतना बिजी, हम बहुत ज़्यादा ही लग गए, बिजी हो गए ऐसा नहीं लग रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है आज। अभी हमारा क्या होता है, जब भी लोग वाट होता है तब बहुत सारा होता है, और आराम होता है तभी भी बहुत सारा होता है। तो आज पूरा दिन ऐसा ही चल रहा है। अभी यहाँ पर पानी पी चला जा रहा है, और यहाँ पे अभी मैं पिंडा लेके आई है। तो आज हमारे घर पे है भिंडी की सब्जी। अभी मेरे काका जी ससुर और मेरे पापा जी आए हुए हैं, तो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो भी चल रहा है साथ ही साथ। तो चलो अभी, हाँ अभी पापा को अच्छी तरह से खबर पूछेंगे। तो अभी दीदी का भी शेड्यूल हमारी तरह हेक्टिक ही चल रहा है। दीदी आज सुबह से बच्चे ही संभाले, मैंने बच्चे संभाला, इससे अच्छा तो काम करना अच्छा है। सही बात है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। एक बच्चा तो संभालते थे वो, वो सही। हार्दिक को संभाले ना तो सब लोग समझ जाते हैं, पर इतना अभी मैं बता दे दूँ, ये है हार्दिक भाई की रूम की हालत। अभी मेरे रूम का तो दिखना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी दो बच्चों को टेबलेट दे दिया है और अभी शिव खेल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल पे, अभी थोड़े टाइम में आ ही रही हूँ, थोड़ा सा ही काम है। नहाना भी बाकी है। कोई नहाने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना बच्चे संभालना है। सही बात है, इतना है, वो हो रहा है ना अभी। ये साथ तो पूरा पता नहीं, जयदीप भी नहीं है, गिरीश जी जो भी नहीं, तो भी इतना है, भी इतना बिजी है काम में। हाँ, का हमें क्या लगता है कि हमारा हस्बैंड साथ ही होते हैं ना तो हम फ्री नहीं हो पाते, लेकिन ये याद गलत साबित हुआ। सही बात, बिचारे हमारे हस्बैंड कितने भोले हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमें याद भी बहुत आ रही है, काम में आते हैं हमारे हस्बैंड। चलो अभी मैं मेरे रूम की हालत दिखा देती हूँ। देखो अभी यहाँ पे शिव और रेजू ने मेरे रूम की हालत देखो। तो हेजू को भी बहुत प्रेम झलक रहा है। आदि आदि ने क्रीम नंदन हेजू को शेयर की ना, इसलिए अभी मस्का हो रहा है, मस्का बन। बहुत ज्यादा बनता है ना फिर भी डर लगता है। यस, उसके तूफान आने की शांति होती है। हाँ, वो भी सही है। देखो देखो मारो भाई, मारो भाई, 2 मिनट चाल से मारो तुम्हारो जयदीप जी होगा। मारो आदि भाई, वाह इतना बनता है। ये दिन कभी दूसरी बार दिखने को मिलेगी, दिन में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है देखने के लिए। सही बात है। यहाँ पे दोपहर के बाद का हमारा नाश्ता थोड़ा रेडी हो रहा है, मकाई हो रही है रोस्ट। और हाँ, जब मैं आज सुबह सुबह गई थी ना हेजू के स्कूल पे पेरेंट्स मीटिंग में, तो आज तो हेजू की तारीफ इतनी सुनने को मिली मैम के पास से। मैम ने बोला अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
तो वो बहुत अच्छी बात है नीतू के लिए। पिछली बार जब मैं और जयदीप गए थे तो मैम ने बहुत कुछ बोला था कि वो सोशलाइज नहीं हो पाती है, किसी के साथ बैठती नहीं है, वो सभी बातों में अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो वो एक अच्छी बात है। और मैम ने वैसे वो भी बोला कि हेजू बहुत भाव खाती है। और हाँ, मैम ने एक और भी बात बोली कि जब भी हम खाना देते हैं तो हेजू अपने आप खुद से नहीं खाना खाती, वो मैम को बोलती है मैम आप खिलाओ तो ही मैं खाऊंगी, आप लिखाओ तो ही मैं लिखूंगी, ऐसे भाव खाती है। तो मैंने बोला वो तो रह गए मैम, पिछली बार जब भी 1-1 स्टार आए थे वो सभी में 2-2 स्टार अभी हो गए, अभी 3 स्टार लाने हैं हमें। तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या रिजल्ट आता है, इस मंथ तो अच्छा है, नेक्स्ट मंथ आई होप कि ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। तो यहाँ पे पापा को गिरीश जीजू का फोन आ गया है, पापा पहुँच गए गिरीश जीजू? हाँ गिरीश जीजू रास्ते में आधे घंटे में पहुँच जाएगा। अच्छा, एयरपोर्ट से घर पे जा रहा है? एयरपोर्ट से घर पे जा रहा है। ओके, तो ड्राइविंग कर रहा है। ओके, तो सेफली लंदन तो पहुँच गए? हाँ सेफली लंदन पहुँच गए। ओके, पापा मम्मी जयदीप पहला ही पहुँच गए, जयदीप डेला उसे, लेकिन जयदीप ने कल पूरे दिन वेट किया, बाद में लास्ट में ट्रेन थी इसलिए। इंडिया में है तो ही इंडिया में है तो चलो आज भजन कुछ, मम्मी के हाथ में भूख है ही, चलो भजन गा लेते हैं। बच्चे नीचे चले गए हैं, 3 बच्चे और बच्चे के साथ दीदी भी, अभी बच्ची बनती सुबह से दीदी को एक ही ड्यूटी है और वो ड्यूटी इतनी खतरनाक है ना बदन हाँ ना ख्वाहिश तो बड़ी बड़ी, छोटी क्या होती है, बड़ी बड़ी ही रहती है। और यहाँ पे मम्मी अपने भजन के साथ रेडी है ना मम्मी, हिंडोला हाँ। वाला भजन है, हिंडोला वाला नहीं थी राधा जी कान टेढ़वा जाए से। हाँ अभी हिंडोला जी वायदा दे से, हे आज मारा कान जी राधा ने टेढ़वा जाए जो, राधा जी तो रोज ललचावे आज नहीं पण काल जो, आज मारा कान जी राधा ने टेढ़वा जाए जो, पड़वो तो मर चंदी पड़वो बीजे तेड़वायावजो, आज मारो कान जी राधा ने तेड़वा जाई जो, त्रीज तो मर के वड़ा त्रीज तमें चौथे तेड़वायावजो, चौथ तो मर बोल चौथ तमें पाँचमे तेड़वायावजो, आज मारा कान जी राधा ने तेड़वा जाई जो, पांचम तो मारे रूसी पांचम सठे तेड़वाया जो, आज मारा कान जी राधा ने तेड़वा जाई जो। वाह मम्मी, काना जी थोड़े नखराले है राधा जी, सॉरी राधा जी। हाँ काना जी तो रोज जाए से, राधा जी नखरा करे से, राधा जी नो टर्न नो आवे तो 15 दिवस एने लटके काना जी ने, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो बस ये मम्मी का बहुत अच्छा सा भजन हमने सुन लिया है। और अभी आए हमारे घर पे हमारे मामी जी और गोपी बहन, वेलकम गोपी बहन, हाय। शॉपिंग, ओहो शॉपिंग करके आए हैं, अभी गोपी बहन की शादी होने वाली है 2-3 महीनों में, तो गोपी बहन बहुत सारे शॉपिंग में बिजी है। और हमारे मामी पापा की खबर पूछते हुए अभी मामी भी आएंगे, तो मामी से भी बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ कहाँ पे शॉपिंग अच्छी है, कहाँ कहाँ पे सेल अच्छा है, कहाँ पे साड़ी अच्छी मिलती है, मिलते हैं और बातें करते हैं। और हम भी जाएंगे खरीदी करने के लिए, मैं और दीदी 2 दिन से सोच रहे हैं शॉपिंग का, लेकिन कुछ बच्चे लोग सूझने ही नहीं दे रहे हैं, तो देखते हैं अभी अभी तो क्या है। मम्मी बच्चे को घर पे छोड़कर हमें निकल ही जाना, हम तीनों निकल जाए, आप मैं और दीदी तीनों। और मामी जी पधार चुके हैं, मामी जी कैसे हो? अच्छी, बहुत शॉपिंग करते हो यार आप, थक गए? बेटी के लिए है, बेटी के मैरिज में बहुत कुछ खरीदी करनी पड़ती है। तो मामी कहाँ कहाँ पे सेल है और कहाँ कहाँ पे साड़ी अच्छी मिलती है? मुझे कुछ याद नहीं रहा, याद नहीं रहा। राधा रानी में अच्छा कलेक्शन है। अच्छा राधा रानी में अच्छा है, अच्छा। तो अभी मामी बहुत, गोपी बहन और मामी शॉपिंग में बिजी है ना मामी? थक जाए ना, थक जाते, लेकिन मजा आता है ना मामी? हमें तो बहुत आता है, लेकिन हम नवरे नहीं पड़ रहे। आप ऐसे करो, बच्चे को ले जाओ, हम आपकी शॉपिंग कर देंगे। मतलब
बहुत गमे गमे का हमें तो मुझे बच्चे रखना बाहर जाना घूमना नहीं गमता ये कुछ बच्चे को त्रास लगता है अभी तो वो दीदी दीदी मामी बोल रहे हैं मैं बच्चे संभालूंगी आप मेरी तरह से आप लोग शॉपिंग कर लेना करना है तो बस आज यही कि पूरा दिन हमारा एक्टिव चल रहा है अभी भी चल ही रहा है पता नहीं जल्दी पर जीजू गए और हमारा शेड्यूल इतना मतलब कि टाइट हो गया है ना तो साथ ही साथ व्लॉग जल्दी मुझे देकर गए हैं बनाने के लिए तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करवा दो जल्दी जल्दी प्लीज अब हम मिलेंगे कल कुछ नए कंटेंट के साथ बाय।